हेलो फ्रेंड, शोभिता की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी। करेले तो आपने बहुत तरीके से खाए होंगे, लेकिन आज हम एक नई तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, कड़वापन भी नहीं आएगा। इसके लिए हमने ज़्यादा करेले नहीं लिए, 3 ही करेले लिए हैं। 2-3 करेले ही बहुत है, क्योंकि उनको ज़्यादा दिन फ्रिज में रखो तो टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता। और ये हमने ग्रेटर लिया है, ग्रेटर पर हम इनको कस लेते हैं। तो सबसे पहले हमने करेले को धो लिया था। आप चाहे तो मोटे वाले में भी कस सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा मोटा नहीं लिया है। इसी तरह से 3ों करेलों को हम कस लेंगे। कसने के बाद हम इसमें नमक लगा कर रख देंगे। इस रेसिपी को आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, और आप मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो करेले खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ही टेस्टी और एक नई तरह की रेसिपी रहेगी। आपने भरवा करेले या काट कर करेले तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन इस तरह से कद्दूकस में कस के आपने इसे ज़रूर देखिए। ये देखिए, हमने करेलों को ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम ये देखिए नमक नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से, इस तरह से खूब अच्छी तरह इसमें नमक को मिक्स कर देंगे। और अब इसको उठाकर हम करीब 3-4 घंटे के लिए हम इसको उठा कर रख देंगे। तब तक इसका कड़वापन कम हो जाएगा। तब तक हम दूसरी तैयारी शुरू करते हैं मसाला भूनने की। इसको हम उठाकर अलग से रख देते हैं। करेले हमने नमक लगा कर रख दिए थे, उनको 3 से 4 घंटे हो गए हैं। और ये देखिए, ये पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम हाथ से ऐसे करके इस पानी को हम सब इसमें निचोड़ निचोड़ लेंगे, सब पानी इसका निकाल लेंगे। और इस पानी को भी हमें फेंकना नहीं है, इस पानी का हम चाहे तो सूप बना कर पी सकते हैं, या डायरेक्ट जूस की तरह से भी इसमें मिक्स करके पी सकते हैं, क्योंकि करेले का जूस बहुत ही अच्छा रहता है। सब लोग तो नहीं पी पाते हैं, लेकिन जो डायबिटीज़ वाले उनके लिए तो ज़रूरी होता ही है। तो इसको फेंकना नहीं है, इसका आप जूस बना करती हैं। इतना निकल गया है। अब हम तैयारी करते हैं मसाला भूनने की। ये देखिए, हमने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें हम सूखे मसाले भूनते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं चने की दाल। ये करीब 2 चम्मच चने की दाल हमने लिए। इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा हैवी होती है। उसके बाद इसमें बाकी मसाले हम डालेंगे। और ये देखिए, चने की दाल का कलर थोड़ा बदल गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच उड़द की दाल, और इसमें ये डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिए का, और ये 1 छोटी चम्मच हमने जीरा लिया है, और ये करीब 1.5 चम्मच हमने ये सौंफ को लिया है। और ये डाल रहे हैं हम हींग। इसको हमें थोड़ी देर ऐसे ही चलाना है। इसको मसाले को आप चाहें तो भून कर भी रख सकते हैं। अब भून कर एक बार ग्राइंडर में पीस कर रख लें, तो आपको बार बार करेले के लिए पीसना भी नहीं पड़ेगा। जब आप बनाना हो तभी साथ के साथ उसमें से डाल सकते हैं। इसलिए हमने थोड़ा मसाला ज़्यादा लिया है, क्योंकि करेले तो अक्सर बनते ही रहते हैं, इस मौसम में सबको अच्छे ही लगते हैं। ये देखिए, इनका कलर धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। इसको बस अब हम बंद कर
ये देखिए मसाला भूनकर तैयार हो गया, इनका कलर बदल गया है। इसमें हम डाल लें थोड़ा सा कसूरी मेथी। अच्छा ये आप ध्यान रखें, शुरू में जब दाल डालें उड़द की, सबसे पहले चने की दाल डालें, उसको थोड़ा सा भूनने के बाद उड़द की दाल डालें, तब ये जीरा और ये सब चीज़ें डालें सौंफ, वरना ये जले से हो जाएंगे। ये हमारा हो गया, इसको हम मसाले को ठंडा, थोड़ा सा ठंडा होना रख देते हैं, उसके बाद इसको ग्राइंडर में पीस कर तैयार। ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया था, ये मसाला हमने पीस लिया है ग्राइंडर में, और इस तरह से इसको पीस कर रख लें। ये हम बता दें कि आप अगर एक एक चम्मच दाल वगैरह लेंगे तो वो ग्राइंडर में आप पीस नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ता है, और उसको पीस कर किसी कंटेनर में जो बचे उसको भर कर रख दें, ताकि तब भी करेले बनाएं तो आराम से पिसा हुआ मसाला तैयार रहे आपके लिए। चलिए अब शुरू करते हैं, कढ़ाई रखते हैं और करेले बनाने की तैयारी करते हैं। इधर से कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें हम अब डालते हैं, करेलों में थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही डालना होता है, करीब 1.5 चम्मच तेल डाला था सरसों का, करेले सरसों के तेल में ही बनते हैं, उसको हमने काफ़ी गर्म कर लिया था। अब उसको लहसुन हमारा थोड़ा सा होने वाला है, अब इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए हम प्याज, ये हमने 2 प्याज छोटा छोटा हाथ से रख लिया था, साथ में हमने 4-5 करी पत्ता भी डाल दिए हैं। करी पत्ते में खुशबू अच्छी हो जाती है, करेले बनाते हैं तो करी पत्ता ही डाल दिए हैं। देखिए इसमें हम डाल रहे हैं बहुत थोड़ा सा, 1/4 चम्मच जीरा और ये 1/4 चम्मच ही सौंफ, और ये हमारी प्याज हल्का गुलाबी कलर इनमें आने लगा है, इसमें हमने मिर्च नहीं डाली है। आप चाहें तो हरी मिर्च या लाल मिर्च, मसाले में लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम मिर्च कम खाते हैं इसलिए हमने मिर्च कम ही डाली है। और ये छौंक भी हमने सरसों के तेल में ही किया, क्योंकि करेले का कड़वापन सरसों के तेल से ही जा पाता है, और किसी उसमें करेले अच्छे बनते भी नहीं हैं, लेकिन हमने थोड़ा तेल कम ही रखा है, क्योंकि हेल्थ के हिसाब से भी हमें ध्यान रखना है। तो हम उसमें अच्छा करेले भी हमने ज़्यादा नहीं लिए, थोड़े ही लिए, क्योंकि घर में जो मेंबर होते हैं, आजकल कोई बड़ा परिवार तो रहा नहीं, तो उसके हिसाब से ही हमने रेशियो बताने के लिए हम बहुत थोड़ा थोड़ा सामान लेकर ही बताते हैं, ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना आए और आसानी से। ये प्याज हमारी हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए टमाटर की, ये करीब 2 टमाटर हमने पीस कर रख लिए थे, इसको अब हम ऐसे ही भूनेंगे। अच्छा गैस को तेज नहीं रखना है, मीडियम पर ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही आप करते चलाना है इसको, 5 से 7 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। देखिए टमाटर भुनने लगे हैं, इसमें थोड़ा सा ये देखिए ये हम डाल रहे हैं, ये हमने आधा कच्चा आम को बहुत छोटा छोटा काट के इसमें डाल देता है, आप चाहिए तो ग्रेट भी कर सकते हैं या मिक्सी में पीस भी कर लें। खट्टा आम ज़रूर डालें, करेले में टेस्ट जब अच्छा आता है, अगर आम नहीं डालेंगे तो वो टेस्ट उतना अच्छा आ नहीं पाएगा। इसको थोड़ी देर ये देखिए, ये हमने एक आलू को
काट कर रख लिया था, ज़्यादा हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। और ये हमने उबला हुआ आलू लिया है, आप हमारे पास रखा था, उबला ना हो तो आप इसमें कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास उबला था तो हमने ये उबला आलू इसमें डाल दिया है। और अब इसको 2-3 मिनट के लिए हम ऐसे ही ढककर रख देते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ये मसाला भुनने लगा है, और इसके साथ आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाला, तो जो हमने मसाला बनाया था मसाले को हम डालते हैं। ये देखिए 1 चम्मच 2 चम्मच और ये 3 चम्मच हम ये डाल रहे हैं इसमें। ये आप ध्यान रखिए, इस वाली चम्मच से हमने 3 चम्मच डाला है। और ये डाल रहे हैं हम हल्दी, नमक का आप ध्यान रखें क्योंकि नमक इसमें डालते वक्त भी डाला था, तो नमक बहुत ज़्यादा ना डालें, स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा ही डालें। अब इसको हम चलाते हैं थोड़ा सा, भून देते हैं। मसाला डालने से करेलों का टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा। आपको बिल्कुल, बहुत लोग करेले खाना पसंद भी नहीं करते, कहते हैं कि बहुत कड़वे होते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आएगा। इसको हम बिल्कुल इस तरह से ही कर रहे हैं। अगर चाहें तो आप जो करेले हमारे ग्रेट किए हुए रखे थे उन्हें थोड़ा सा तल भी सकते हैं घी में, और अगर घी का कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें तलने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें भी डाल सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं। और देखिए अब इसमें हम डाल रहे हैं जो करेले को हमने निचोड़ के रखा था उनको ऐसे ही डाल रहे हैं। आप चाहें तो इनको तेल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ऑयल हो जाता है तो इस वजह से हमने इसको फ्राई नहीं किया है, इनको ऐसे ही इसमें डाल दिया है। वैसे ज़्यादातर आप रेसिपी देखेंगे तो सब फ्राई करके ही बताते हैं, लेकिन फिर बहुत ही, अब जो हार्ट पेशेंट हैं और जो इस तरह से इतना तेल नहीं खाते, आजकल तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी बहुत हो गई है, तो उस फिर वो उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है, इसलिए हमने ये अब डाल रहे हैं हम 1/2 ग्लास इसमें पानी। ये देखिए हमने इतनी रेसिपी बनाई है कि 3-4 लोग खा सकते हैं इसको, 4 लोगों के हिसाब से हमने ये रेसिपी बनाई है। अब गर्मी का टाइम होता, हालांकि करेले बनाकर रख भी देते हैं फ्रिज में, लेकिन वो अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो हमने ज़्यादा नहीं लिया है करेलों को। इसको अब ढक देते हैं। अब इसमें हम स्वाद के लिए डालते हैं थोड़ा सा, ये कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल भी लाल मिर्च खाते ही नहीं हैं। तो इसमें थोड़ा कलर आ जाए इसलिए हमने, जब मसाला जो भुना था उसमें बहुत से लोग लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और उनको साथ में पीस भी सकते हैं। हमारी सब्जी में मिर्च कम होती है इसलिए थोड़ा कलर उतना अच्छा लाल नहीं आ पाता है, लेकिन बिल्कुल घर की तरह से इस तरह से मैं बनाती हूँ। जैसे कि आप बनाएंगे तो आपको कुछ भी
परेशानी नहीं होगी, जो पहली बार भी कोई बनाएगा तो भी अच्छी तरह बना पाएगा। इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे चाहे तो आप रसेकी भी कर सकते हैं। हमने आधा गिलास पानी डाला था, आप 1 गिलास पानी डालकर थोड़ा रसेकी भी बना सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा रसेकी नहीं की है क्योंकि करेले की सब्ज़ी में हल्का कड़वापन कितना भी ना हो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। रसेकी होगी तो उस पानी में कुछ टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाता, इसलिए हमने इसको सूखा ही रखा है। इसको हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इसको हम पलट लेते हैं और ये देखिए ये हमारी करेले की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम करेले का सालन भी कहते हैं और लेकिन और इसको जब भी बच्चों को सर्व करें तो आप बिल्कुल इस तरह से बताएं कि आप बताइए करेले का सालन बनाया है आज हमने, आलू डाल कर खा कर देखिए तो बच्चों को भी पसंद आएगा। और ये हमारा करेले का पानी रखा था तो इसमें हम काला नमक डालकर इसको हम थोड़ा सा काली मिर्च और डालें कि हमने सूप तैयार कर लिया है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। अच्छा, आप चलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू।